हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज छबिला हियर। वेलकम टू माय चैनल एबिटेड स्टडी सेंटर। ए वीडियो ने हमें ओएवीएस क्लास डे टू जोटा की मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स विषय एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। ठीक अछि, आउ ये जो एमसीक्यू रहिबो, एमसीक्यू 55 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहिबो। केतोटी रहिबो? 55। ठीक अछि, त सहित आमे सीटीईटी रो भी सब क्लास करिछु, सोशल स्टडी, ओडिया ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ठीक अछि, ओएसएसटीटी पई मध्य, सीएसटी पई बहुत गुडे क्लास करा जाइछि, प्लस एमसीक्यू रहिछि। ए सब जदि आपन मानको थ्योरी क्लास दरकार, तापर लाइव क्लास दरकार, ताहले आपण माने यूट्यूब चैनल रे आपण माने देखि परिबे। तो सहित जदि सही वीडियो डी रो सही एमसीक्यू डी रो पीडीएफ चाहौ जोंती, नोट चाहौ जोंती, ताहले हमरो टेलीग्राम चैनल रे ज्वाइन होंतु, जोटा की मैं डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दे देबी। तो सहित देखंतु नुआ नुआ जॉब इन्फॉर्मेशन को जगह रे को इन्फॉर्मेशन आसीला, जॉब कोटी नुआ अपडेट होची, नोटिफिकेशन ओसीटीटी को माने कोठी आसुची, केमती आसुची, ओएसएस, सब न्यू इनफर्मेशन, न्यू अपडेट पई आपण माने आमरो चैनल सहित जोड़ी की रुहंतु। ठीक अछि, त सहित आमे इग्नो क्लास भी करछु, इंग्लिश समरीज भी करछु, एमसीक्यू र पीडीएफ भी आमे प्रोवाइड करछु। ठीक अछि, त ए सब आमे करा जाउछि आमरो टेलीग्राम चैनल रे, आमरो यूट्यूब चैनल रे मध्ये। ठीक अछि, त आपण माने जोड़ी की रुहंतु एबिरेट स्टडी सेंटर सहित। देखंतु मुँ आगर भी कही, ये जो एमसीक्यू रहा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स विषय रहा। ठीक अच्छे, देखो प्रथम क्वेश्चन कौन कहूँ, विच इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटाइट आयरन ओर। विच इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटाइट आयरन ओर, मैग्नेटाइट आयरन ओर विषय रे कोटा राइट। देखो तो प्रथमे, मैग्नेटाइट इज मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी यूज। कि मैग्नेटाइट जो आयरन अच्छी, इटा मोस्ट इम्पोर्टेंट कोदि पाई इंडस्ट्री रे जो आयरन ओर को, कि आयरन ओर रो क्वालिटी को यूज करिवा पाई इटा इम्पोर्टेंट। ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट हैज द इनफेरियर मैग्नेटाइट्स क्वालिटीज व्हिच इज नॉट वैल्युएबल इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। माने मैग्नेटाइट जोटा रही एटा इनफेरियर मैग्नेटाइट क्वालिटी, मतलब एपरी एक क्वालिटी जहाँ कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री पई वैल्युएबल नोहे। एटा ऑप्शन सी कौन कहूँ, इट इज द फिनेस्ट या फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑफ टू 70%। एटा गोटे एपरी एक आयरन ओर जो कि फिनेस्ट, मतलब बहुत फाइन आयरन ओर है अटे, जोटा कि वेरी हाई कंटेंट, बहुत हाई कंटेंट रेटा आयरन ओर रही था। ठीक अच्छे, ये जो मैग्नेटाइट आयरन अच्छी, मैग्नेटाइट केते परिमाण बहुत परिमाण 70% मिनिमम रोचे आयरन ओर। ठीक अच्छे, एटा राइट, कि इट हैज स्लाइटली फ्लोअर आयरन कंटेंट देन हेमाटाइट 50-60%। ये जो एथी जो आयरन रोची, आयरन ओर रोची, इट लो रोची को जगह मैग्नेटाइट रे कहतु, यार राइट आंसर कौन हम। देखु ये जो मैग्नेटाइट अच्छी, ये तो ठीक अच्छे, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन पर ठीक अच्छे, किंतु खाली ये जो इंडस्ट्री आयरन ओर पर यूज करने नुहे, एटा भी ठीक अच्छे, माने सेंटेन्सटा ठीक अच्छे बुझिपारे, किंतु तापर आम नेक्स्ट ऑप्शन को देखा। देखो मैग्नेटाइट हैज द इनफीरियर क्वालिटी, एटा इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री पे वैल्युएबल नुहे, एटा एमती किसी सेंटेन्स ना। ठीक अच्छे, तापर इट इज द फाइनेस्ट आयरन, यस एटा देखु, एटा हूँ कौन ना फाइनेस्ट आयरन ओर अटे, कौन पूरा फाइनेस्ट आयरन ओर अटे जहाँकि बहुत क्वालिटी, बहुत हाई क्वालिटी रो, हाउ हाई कंटेंट रो आयरन ओर आयरन ये जो मैग्नेटाइट रे रही था। ठीक अच्छे, केते परसेंट रोचे? 70% रोचे। तो आमरो राइट आंसर हो जाए, देखो
ऑप्शन नंबर सी इट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ ए वेरी हाई कंटेंट। एटा देखंतु ऑप्शन डी जो कहूँ लोअर आयरन कंटेंट ना लोअर आयरन कंटेंट रही यदि हाई आयरन कंटेंट हाई क्वालिटी जो आयरन अच्छी से रहा प्रथम आम जाना देखूँ मैग्नेटाइट कहले कौन मैग्नेटाइट कहले जो आयरन ओर जो प्रथम अवस्था जमीती कि स्टोन क्ले सब मिक्स होकर कहूँ मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट ठीक अच्छे मैग्नेट जो आम कह ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ मिका मिका पाई एथिम कौटा एसेंशियल फीचर्स देखो मिका कौन मिका हूँ गोटे नॉन मेटालिक मिनरल्स नहीं नॉन मेटालिक मिनरल्स ठीक तो देखो एथिम कौटा फीचर्स अटे कौच एसेंशियल फीचर सबू तो फीचर्स अटे किंतु एसेंशियल फीचर ये आमको कहूँ देखो इट इज ए मेटालिक मिनरल्स मेड अफ अफ ए सीरीयस अफ प्लेट्स ये जो एट गोटे मेटालिक मिनरल्स अटे जोटा कि कते गोटे प्लेट्स रु या मिकाटा ठीक अच्छे। ऑप्शन भी कौन कहे देखो इट कैन बी क्लियर ब्लैक ग्रीन रेड येलो और ब्राउन एटा केमती थाए ब्लैक ब्लैक आकार थाए ग्रीन आकार थाए रेड आकार थाए येलो आकार थाए और ब्राउन आकार थाए। ऑप्शन सी इट इज नॉट यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एटा इलेक्ट्रिक कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री रे एटा यूज करा जाई न थाए। ऑप्शन डी कौन कहे देखो इट कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट इनटू थिन शीट्स माने आम जदि कह पतला कौन से गोटे सीट्स रे ताको आम कौन करें स्पिल्ट करहतु कौटा एसेंशियल फीचर्स अबाउट मिका देखो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इट कैन बी क्लियर ब्लैक ग्रीन रेड येलो ये सब प्रकार मिका थे नॉन मेटालिक एटा मेटालिक मिनरल्स नुहे एटा होची नॉन मेटालिक मिनरल्स ठीक अच्छे। नेक्स्ट जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्लूड्स नॉन फेरस मेटल देखु आम जब कह देख मिनरल्स को आम तीन भाग में विभक्त करोटे है मेटालिक गोटे है मेटालिक आ गोटे है नॉट मेटालिक ठीक अच्छे आ गोटे है प्रेसियस एतिक बुझिपारे क्लीयर मेटालिक रे कौन जीव फेरस आउ नॉन फेरस जीव ठीक अच्छे। तो ये आमको पचरूँ तो कि नॉन फेरस मेटालिक सॉरी मेटल्स कौटा ठीक अच्छे। तो फेरस आउ नॉन फेरस कौन आम टे बुझी देखो नॉन फेरस कहले जोटा आयरन ओर न थाए जोटी आयरन न थी ठीक अच्छे कि स्टील न बुझे बोले आयरन और स्टील बाकी सब हो फेरस जोटा मेटालिक अटे ठीक अच्छे। तो ये मतलब कौच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनक्लूड्स नॉन फेरस मेटल तो आयरन एंड मैंगनीज जो अच्छे ये तो हेनी ठीक अच्छे। स्टील एंड आयरन ओर एटा तो हेनी कहीं कहीदी स्टील एंड आयरन ओर हेनी हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट कॉपर एंड बॉक्साइट कहतु तो यार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉपर एंड बॉक्साइट ठीक अच्छे। हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट एटा अलग अच्छे ओके। तो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर डी आम कौच कॉपर बॉक्साइट ठीक अच्छे यहाँ हूँ गोटे गोटे नॉन फेरस एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर फोर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी इज हर्नस्ड इन द पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश देखु ये मतलब कौटा जोटा कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी अटे
जोटा कि पार्वती भैली जोटा पार्वती भैली रे अच्छी तो सहित तो पार्वती भैली कौ जगह अच्छे ना मणिकरण इन हिमाचल रे अच्छे कहतु नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस टाइडल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी विंड एनर्जी सोलर एनर्जी कहतु राइट आंसर कौन हम यार राइट आंसर है जो देखो तो जियोथर्मल एनर्जी जोटा कि हिमाचल प्रदेश में रही अच्छे ठीक अच्छे नेक्स्ट जी देखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एतिमध्यरु कौ ऑप्शनटा बा कौटा जोटा कि इन्फ्लुएंस करूना जदि आम कह लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आकार रे इन्फ्लुएंस करूना देखु अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एटा दरकार जदि आम गोटे लोकेशंस इंडस्ट्री अच्छी गोटे जगार तो से जगह रॉ मटेरियल्स भी रहा कथा इलेक्ट्रिसिटी भी रहा कथा ठीक अच्छे बुझीपारे आउ कौन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट एंड कैपिटल एटा कथा कैपिटल थी कथा टूल्स जोटा आम कहूँ फिक्स कैपिटल फिजिकल कैपिटल नहीं कि तो सहित तो मार्केट्स भी थी कथा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड लेबर रॉ मटेरियल्स एवं लेबर तो आवश्यक किंतु एजुकेशनल रो किसी आवश्यकता नहीं मेडिकल सर्विस रो किसी इतनी आवश्यकता नुहे एटा भी दरकार किंतु आवश्यकता इतनी नुहे तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल एंड मेडिकल सर्विसेस नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखु क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेन्स एंड लोड्स वेन्स एंड लोड्स एतिमध्यरु कोटा नुहे अच्छा प्रथम आम जानवा वेन्स कौन लोड्स कौन वेन्स हूँ जोटा कि जदि कह इग्नियस रॉक्स एवं इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक ठीक अच्छे मेटामॉर्फिक रॉक रु ठीक अच्छे जो मिनरल्स बाहर ताको आम वेन्स एंड लोड्स मिनरल्स कहो एतिमध्यरु जोटा लार्ज आकार रे बाहर ताको आम कहो लोड्स जोटा स्मॉल आकार रे बाहर ताको वेन्स बोली कहो तो एतिमध्यरु वेन्स एवं लोड्स अंडर रे कोटा जाऊना ही जिंक टीन लीड जिप्सम तो यार करेक्ट आंसर है देखु ऑप्शन नंबर डी जिप्सम जिप्सम जोटा कि वेन्स एवं लोड्स कैटेगोरी रे जाऊना ही टीन हला जिंक हला लीड हला एटा जाउछि नेक्स्ट जीव देखु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग विंड पावर इन इंडिया इसमें जो ऑप्शन आपण माने देखि पारुछंती ई ऑप्शन मध्यरु कोटा ट्रू नुहे विंड पावर विषय रे भारतर विंड पावर विषय रे ऑप्शन देखंतु ऑप्शन कोण कहूची ऑप्शन कहूची द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु जैसलमर इज वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन अवर कंट्री आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका हैव इंपोर्टेंट विंड फार्म ऑप्शन डी अंडमान निकोबर आइलैंड हैव इंपोर्टेंट विंड फार्म कोटा एहरो आंसर है जीव देखंतु कोन कहूची ट्रू नुहे गोटे पावर विंड पावर रो एनर्जी कहिके ठीक अच्छे विंड पावर एनर्जी कोटा नुहे तो यार राइट आंसर जीव देखंतु ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबर आइलैंड हैव इंपोर्टेंट विंड फार्म तो देखंतु आंध्र प्रदेश रे कर्नाटक रे जो विंड फार्म अच्छे सेटा इंपोर्टेंट सेटा ही अच्छे किंतु अंडमान निकोबर आइलैंड रे एटा नाही ठीक अच्छे नेक्स्ट जीव देखंतु
Which one of the following is not true regarding the importance of manufacturing industry? अगर जदि आम कह इंडस्ट्री रे मैन्युफैक्चरिंग करने कोटा ट्रू नुहे कौन सी गोटे जिनस बनैला आयरन को आयरन ओर को आयरन बनैला सब कौटा इम्पोर्टा नुहे से कौच दे जेनेटेड जब्स इन द सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर एक्सपोर्ट अफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एनकरेज ट्रेड एंड कमर्स द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अफ कंट्री इज मेजर्ड इन द इन टर्म अफ द र मटेरियल्स इज प्रोसेस देखु आपण मैंने पज करके भी ध्यान देखिए पढ़ाक पड़ो अपसन एमती करेंगे पज करी ठीक अच्छे मुझे यार रईट आंसर कहीदे देखु ऑप्शन नंबर डी द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री इज मेजर इन टर्म द रॉ मटेरियल्स इज प्रोसेस तो यहाँ हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यार किसी लेना देना नहीं ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखु क्वेश्चन नंबर 9 Where is an experimental geothermal energy project located in India? देखो ये जो ऑप्शन अच्छी ये कौट राइट अच्छे तार तो बुझे Where is an experimental geothermal energy अच्छी कहतु Gulf of Kutch जोटा कि गुजरात अच्छे पुगा वैली जोटा कि लद्दाख में अच्छे गंगा वैली जोटा कि हिमाचल प्रदेश में अच्छे नागरकोइल जोटा कि तमिलनाडु अच्छे देखु ये जो राइट आंसर यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुगा वैली जोटा कि लद्दाख में अच्छे यहाँ सठिक अच्छे ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा देखु नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सुगर मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया माने कहिबार अर्थ होची कि एथिमदर कौ फैक्टरटा रेस्पॉन्सिबल अटे कि सुगर मिल को शिफ्ट करिबा पई कंसंट्रेट करिबा पई को जगह को साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया को ठीक अच्छे कहतु कौ फैक्टरटा रेस्पॉन्सिबल अटे सुगर कैन इज बल्कि रॉ मटेरियल्स द सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस डिस्टेंस ठीक अच्छे ऑप्शन सी कौन कह स्केन प्रोड्यूस्ड हैज हाइजर सुक्रोज कंटेंट ऑप्शन डी द कोऑपरेटिव आर नॉट सक्सेसफुल तो देखो यार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द केन प्रोड्यूस हैज हाइजर सुक्रोज कंटेंट ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज देखु आयरन ओर जोटा रही तार बेस्ट क्वालिटी को पार्ट मैग्नेटाइट पिराइट हेमाटाइट साइड्राइट कहतु तो ये देखो ये राइट आंसर होना मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट आगुरी भी आम डिस्कस कर प्रथम क्वेश्चन ये कौन था हाइजर कंटेंट विथ जो आयरन आयरन थाए के परसेंट थाए 70% थाए ठीक अच्छे आम डिस्कस प्रथम क्वेश्चन कर सारीचे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह फॉर्म ऑफ कोल हैज ए लो कार्बन एंड हाई मॉइश्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी कौ जदि कह फॉर्म रो जो कोयला अच्छी कोल अच्छी जार कि लो कार्बन एवं हाई मॉइश्चर रही कार्बन एटी कम र किंतु मॉइश्चर अधिक रहित हीटिंग कैपेसिटी जोटा बहुत कम लो हो कम मानने लो रो प्रकार कोल को प्रकार कोयलारे पील लाइटनाइट आथ्रासाइट आंथ्रासाइट बिटुमिनस तो यार सठिक आंसर हो जाए देखु ऑप्शन नंबर ए पीट आम तो पढ़ीचे आंथ्रासाइट भी आम पढ़ीचे
बिटु बिटुमिनस या बाइटुमिनस जहाँ भी आपड़ कही नि दुटा आम पढ़ीचे कि यहाँ हाई हिटिंग कोल है हाई हिटिंग कोल अटे कि लिग्नाइट और पिट भितर मोर कन्फ्यूज थी तो लिग्नाइट जदि यार एनसर हो नाइल यार राइट आंसर हो पिट। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया आर द खेत्री कॉपर माइन सिचुएटेड। खेत्री कॉपर माइन कौ जगार रही कहतु पंजाब रे अच्छी झारखंड रे अच्छी राजस्थान रे अच्छी मध्य प्रदेश रे अच्छी तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान रे अच्छे। ठीक अच्छे राजस्थान रे अच्छी खेत्री कॉपर माइन्स ओके गोटे आंसर आपरपारे देखु जदि आम कह आयरन ओर नहीं सॉरी हाँ कॉपर जदि आम देखा कि कॉपर कौ स्टेट रे या कौ कंट्री रे बहुत परिमाण रे करा जाए था। ठीक अच्छे तो ये आप कमेंट बॉक्स रे लिखु। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखु तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल इज देखु जोटा आम लो क्वालिटी रो मैंने कोल पड़ा जोटा कि कौन जोटा थिला पीट ना कि हाई हार्ड कोल कोटा अच्छे लिग्नाइट बिटुमिनस पीट एंथ्रासाइट कहतु ये तो पीट हेनी नहीं कि पीट तो हेनी कहीं लो क्वालिटी कोल तो राइट आंसर हो देखु ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट यहाँ आम समस्ते पढ़ीचे ना कि एंथ्रासाइट एपरी एक कोल जोटा यार हाई क्वालिटी हार्ड थाए हाई क्वालिटी हीट पावर थाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फेरस फेरस मिनरल्स नॉन फेरस और फेरस आम पढ़ीचे आउ प्रीसीयस। ठीक अच्छे यहाँ आम पढ़ीचे तो एमधर कौटा फेरस मिनरल मिनरल्स जाऊँगी मिका सिल्वर बॉक्साइट मैंगनीज कहतु तो यार राइट आंसर हो देखु ऑप्शन नंबर ए मैंगनीज मैंगनीज जो अच्छी से फेरस मिनरल्स अटे ए मिका सिल्वर बॉक्साइट यहाँ हूँ गोटे गोटे नॉन फेरस मिनरल्स ओके ना सिल्वर सिल्वर हो प्रीसीयस मिनरल्स। ठीक अच्छे देखो आप मिका हूँ नॉन फेरस सिल्वर हूँ प्रीसीयस बॉक्साइट है नॉन फेरस मैंगनीज अच्छी फेरस। ठीक अच्छे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीव कहतु कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली डिराइव फ्रॉम ओशन वाटर एम कौटा कि ओशन वाटर ज्यादा बहुत परिमाण मिलुछे कहतु बॉक्साइट मिलुछे मैग्नीशियम मिलुछे गोल्ड मिलुछे या मिका मिलुछे तो देखु जदि ये कहवा आम मैंगनीज जोटा अच्छे बेसिकली वो सॉल्ट वाटर बेसिकली मिले। ठीक अच्छे ध्यान देवे जो मैंगनीज अच्छे बट बेसिकली सॉल्ट वाटर रे देखा जाए ओके तो राइट आंसर कौन हो मैंगनीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हो द लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूस स्टेट इंडिया इज इंडिया रे मैंगनीज प्रोड्यूसर कौ स्टेट अच्छे ओडिशा अच्छी मध्यप्रदेश अच्छी कर्नाटक अच्छी केरला अच्छी तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए केरला सॉरी कौन ओडिशा। ठीक अच्छे ओडिशा रे मैंगनीज बहुत परिमाण रे प्रोड्यूस्ड करा जाए थाए ओके देखो नेक्स्ट जीवा
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। एथिमत जो कॉपर अच्छी कॉपर प्रोड्यूसर रे जोटा मुझे आपको क्वेश्चन करी तार आंसर आसवे इंडिया रे लार्जेस्ट किए प्रोड्यूस करशा करनाटक करध्यप्रदेश करुजराट करोटा आपश्चिन्स करी तो देखो आपड़ी जाणी ना यार आंसर हो देखु ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ठीक अच्छे मध्य प्रदेश रे 23% ठीक अच्छे 23% ज्यादा जो कॉपर प्रोडक्शन करा जाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट द लार्जेस्ट सोलार प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। सोलार प्लांट जोटा अच्छे इंडिया रे को जगह अच्छे लार्जेस्ट सोलार प्लांट कहतु माधापुर नागरकोयल मदुराई मणिकरण देखो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माधापुर। माधापुर रे कौन अच्छे ना सोलार प्लांट लार्जेस्ट बहुत बड़ सोलार प्लांट रही अच्छे। नेक्स्ट देखो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर बेल्ट कुंदरमुख माइंस आर लोकेटेड। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुंदरमुख जो माइंस अच्छी एटा वर्ल्ड रो लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोडक्शन एरिया एटा आपन को ध्यान देवाक पड़ो जो कुंदरमुख माइंस जोटा अच्छी एटा वर्ल्ड रो लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोडक्शन एरिया या माइंस तो सर कौ जगह अच्छे ओडिशा झारखंड बेल्ट अच्छे ओडिशा झारखंड बेल्ट ना महाराष्ट्र गोवा बेल्ट अच्छे कि देखु दुर्गा बस्तार चंद्रपुर बेल्ट अच्छे बलरी चित्र चित्र देगा चिकमंगलारू तुकमरा बेल्ट अच्छे कहतु तो यार राइट आंसर हो देखु ऑप्शन नंबर डी बेलरी चित्र देगा चिकमंगलुरु तुमकुर एटा हो कर्णाटक रे। ठीक है ये कर्णाटक रही तो यही जो माइंस नेम अच्छे ये जगह ही रही कुंदरमुख कौन माइंस जोटा कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आयरन प्रोड्यूसर। ठीक है आदि कह देखो ओडिशा झारखंड बेल्ट रे को जगह अच्छे केन्द्रापड़ा आ केन्द्रापड़ा आ गए कौ जगह अच्छे टी मन पड़ूनी केन्द्रापड़ा और मयूरभंज। ठीक अच्छे ओडिशा रे ठीक अच्छे चलता नेक्स्ट जीव नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटालिक मिनरल्स। आम बार बार कौ नॉन मेटालिक कौटा आयरन तो हेनी। ठीक अच्छे तापरे कॉपर तो हेनी बॉक्साइट तो हेनी तो यार आंसर हो लाइम स्टोन। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीव देखु लाइम स्टोन हूँ कौन नॉन मेटालिक जोटा कि मेटालिक नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज हार्नेस्ड नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश रे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स अच्छी सेटा कोटा जियोथर्मल एनर्जी अच्छी विंड एनर्जी अच्छी सोलार एनर्जी अच्छी कि नॉन ऑफ दिस मतलब कोटा को एनर्जी ना ही सही जगह रे तो सटीक आंसर है देखु ऑप्शन नंबर ए जियोथर्मल एनर्जी रही। ओके नेक्स्ट जो देखु क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कंटेंट इन द मोनाजाइट सैंड्स। को आयरन को मिनरल्स टा मोनाजाइट सैंड्स को माने जदि आम कह
मोनाजाइट सैंड रही थाए को मिनरालसटा ऑयल यूरानियम थेरम कोल तो राइट आंसर हो देखु ऑप्शन नंबर सी थेरम क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखु ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इंडिया रो कौ जगार बहुत कालर ऑयल प्रोड्यूस करा जाउछि सठिक आंसर है जीव देखु ऑप्शन नंबर सी आसाम क्लियर। आसाम रे बहुत परिमाण रे जो अच्छी ऑयल प्रोडक्शन करा जाउछि माने आगरु करा जाउछि ना ओल्डेस्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव देखु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट बॉक्साइट कौ जगह बेस प्रोड्यूस करा जाउछि राजस्थान रे करा जाउछि मध्यप्रदेश रे करा जाउछि ओडिशा रे करा जाउछि गुजरात रे करा जाउछि सठिक आंसर हे जे देखंतु ऑप्शन नंबर सी ओडिशा रे ओडिशा जोटा हम ओडिशा भी कहूछु नहीं कि तो सही जगह रे कोन करा जाउछि ता बॉक्साइट बॉक्साइट बहुत मात्रा रे करा जाउछि ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा देखंतु नेक्स्ट अछि नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड विंड फार्म क्लस्टर जोटा अच्छे से कौ जगह बहुत परिमाण अच्छे लार्जेस्ट रोचे गुजरात केरला राजस्थान तमिलनाडु राइट आंसर है तमिलनाडु ठीक अच्छे तमिलनाडु ये जगह तमिलनाडु बेसिक विंड फार्म जदि आम कह विंड फार्म क्लस्टर रही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया कॉपर को जगह रे बेसी प्रोड्यूस करा जाउछ ओडिशा रे कर्नाटक रे मध्य प्रदेश रे कि गुजरात रे सठिक आंसर हिबो मध्य प्रदेश रे ठीक अछि। बॉक्साइट को जगह रे करा हला बॉक्साइट आ बॉक्साइट करा गला ओडिशा रे मांगनीज करा गला ओडिशा रे किंतु कॉपर करा जाउछि मध्य प्रदेश रे ध्यान देबे ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द लेयर द लार्जेस्ट ऑक्यूट्स मिनरल्स ऑफ इग्नियस एंड मिनरल मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कॉल्ड मोटा प्रथम रु कोइछि वेंस हबो ना लोड्स हबो बेड्स हबो लेयर हबो तो राइट आंसर हे जीव देखंतु लोड्स हे जीव यार राइट आंसर ठीक अछि। आ वेंस जुटा कहतली मु कि ए जगह रे जदी हम कर देबा लो ठीक अछि लो ऑक्यूर ऑफ मिनरल्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कॉल्ड भेन्स लार्ज हो गले सेटा हो लोड्स। नेक्स्ट बुझिपार तो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटरी मिनरल्स इज फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन एस्पेशली इन आरिड रीजन देखो आरिड रीजन एमु कौ सॉइलटा सॉरी कौ मिनरल्सटा सेडिमेंटरी रॉक्स द्वारा इवापोरेटेड इवापोरेशन होइथाय कोल पोटाश सॉल्ट आयरन ओर सल्फर ठीक अच्छे। तो यार राइट आंसर है देखु ऑप्शन नंबर बी पोटाश सॉल्ट जोटा अच्छे सेडिमेंटरी रॉक्स जो सेडिमेंटरी मिनरल्स जो अच्छी ताको हम सेडिमेंटरी मिनरल ही कहूँ क्या सेडिमेंटरी रॉक्स रही थाए तो यहाँ कौन हो इवापोरेशन हो कि कौन हम ना पोटाश सॉल्ट तैयारी हम ठीक अच्छे। इवापोरेटेबल जानुछंती ना नहीं ठीक अच्छे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मिनरल्स मतलब बहुत गोटे ही मिनरल्स मिले कौ रॉक्स रे ग्रेनाइट वेसल लाइमस्टोन सैंड स्टोन तो राइट आंसर हो देखु लाइमस्टोन गोटे हूँ सिंगल रॉक मिनरल्स ठीक अच्छे मिनरल्स। नेक्स्ट जीवा मिनरल्स आर डिपोजिट एंड अक्यूमुलेटेड इन स्ट्राटा ऑफ
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक देखंतु जो मिनरल्स अछि एथि मधरु कि जते कि मिनरल्स अछि से मिनरल्स देखि कि डिपॉजिट एंड एक्युमुलेटेड इन स्ट्राटा ऑफ मतलब बेसिक डिपॉजिट को रॉक्स दे होइ थाय नै कि डिपॉजिट हबो और एक्युमुलेटेड हबो तयारी हबो सेडिमेंटरी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक सठिक एंता हिजबो सेडिमेंटरी रॉक सेडिमेंटरी रॉक रो हिटा तयारी हिजि जोटा कि हिमालय हिमालय जो पर्वत अछि हिल्स सॉरी हम जदि कहबा माउंटेन जो अछि सेटा सेडिमेंटरी रॉक द्वारा तयारी हिजि ओके ध्यान देबे नेक्स्ट क्वेश्चन मिनरल्स फॉर्म from solidifications of molten matter in the crack, crevice, fault or joints are found in which type of rock? देखंतु minerals केमती हुए एमती भी हुए थे molten magma जेते बेले crack हो जाए या molten magma द्वारा जो crack हो जाए crevice हो जाए fault हो जाए या joint हो जाए बुझे बोलते मान मान जानतु ये है earth crust sorry प्रथम आस igneous rock तापर आसीबो सेडिमेंटरी रॉक तापर आसीबो मेटामॉर्फिक रॉक तो एथि मधे को रॉक रे बेसी की जदी मोल्टन मैग्मा क्रैक हे गला मेल्टन मैग्मा जदी क्रैक कोला एथि होची मोल्टन मैग्मा तो ए ए जो आर्थ सरफेस आर्थ आर्थ केते किलोमीटर जदी हम कहबा 30 35 किलोमीटर भीतर जदी क्रैक हला तापर धीरे धीरे से कोन हबो ना ऊपर को उठिबो तो सेही परि भाबरे को मिनरल्स ता तयारी होई थाए को जदि हमें कहबा को रॉक रे नै कि को रॉक रे से तयारी होई थाए तो एरर राइट आंसर हिजो देखंतु ऑप्शन नंबर बी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस एवं मेटामॉर्फिक रॉक जो जते बेले मोल्टन मैग्मा क्रैक कर देबो मोल्टन मैग्मा जते बेले क्रैक कर देबो सेही समय रे जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक अछि से माने मिनरल्स तयारी करिवे ठीक अछि और सेडिमेंटरी रॉक एटा होची अलग ठीक अछि नेक्स्ट Study about which of the characteristic of minerals is not a concern of geographers. जदि हमें minerals विषय रे पढ़ीबा एथि मधर कोटा तार character नुहे geographer का हिसाब रे ठीक अछि देखो तो minerals as a part of earth crust for better understanding of landform ये तो अटे distribution में मिला ठीक अछि इकोनॉमिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ मिनरल्स फॉर्मेशन एज एन फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन मिलला तो ये देखु राइट आंसर है फॉर्मेशन एज एन फिजिकल जोटा अच्छी केमिकल कंपोजिशन मिलला एटा रिलेटेड नुहे ठीक अच्छे नेक्स्ट जी देखते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर विथ मैग्नेटाइट मैग्नेटिक क्वालिटीज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बार बार हमें आयरन ओर विषय रे मैग्नेटाइट आयरन ओर विषय रे हमें पढ़ुचु नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम आर नोन एज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो एटा को हमें बार बार कहू प्रीशियस मटेरियल्स फेरस जोटा कि आयरन आयरन और स्टील थाए से और नॉन फेरस जोटा कि आयरन और स्टील न थाए और प्रीशियस जोटा होछि जेमति कि सिल्वर हला गोल्ड हला प्लैटिनम हला एटा होछि गोटे प्रीशियस मिनरल्स Which of the following regions of India is almost devoid of economic minerals? देखंतु economic minerals रे को रीजन टा बेसी जाउची जो आयरन ओर या कौनसी मिनरल्स मिलुची द हिमालयन बेल्ट द अलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स नॉर्दर्न इंडिया द थार डेजर्ट पेनिनसुलर प्लेटू तो सठिक आंसर हिजो देखंतु सिंपल आंसर द अलुवियल प्लेन्स प्लेन्स नॉर्थ इंडिया ठीक अच्छे देखो तापर पर पेनिनसुलर प्लेटू तो यार राइट आंसर हो कौन आमर द अलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर मेटालिक मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड देखो वेन्स एवं लोड रू कोड मेटालिक्सटा मेटालिक मिनरल्सटा तैयारी करा जाय थाय बा आसी थाय गोल्ड तो होनी एटा तो प्रीशियस हला ठीक अच्छे तो एति मधे आपको चूज कर पड़ो तो सिंपल आंसर एर हो ठीक अच्छे आयरन और हेनी मांगानीज हेनी ठीक अच्छे
आउ ठीक अच्छे तापर देखु नेक्स्ट जीवा Which of the following regions of India contain most of the reserved coal, metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals? कितने मतलब कोर रीजन है सिर्फ सब रोकार मिलती नॉन मेटालिक मिनरल्स भी मिलती मेटालिक मिनरल्स भी मिलती हिमालय रे अल्बेल प्लेन्स रे रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला एंड राजस्थान पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन सठिक आंसर है जो देखो तो पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन बेसिकली मैंने कहते ना ना कि पेनिनसुला प्लेट्यू जो अच्छे से ही जगह भी बहुत परिमाण मिलू कि आगर आलुवियल प्लेन्स नॉर्थ इंडिया रे मिले तो कहार अर्थ हो मेटालिक मिनरल्स भी मिलूँ नॉन मेटालिक मिनरल्स भी मिलू तो सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्स डू मिनरल्स बिलंग टू देखु एत मत कौ कैटेगरी जो मिनरल्स अच्छी जोटा कि रिसोर्स अच्छी जोटा कि मिनरल्स जाऊँगी रिन्यूएबल एंड रिप्लेसेबल फ्लो नॉन रिन्यूएबल एंड फाइनाइट नॉन ऑफ द अबव तो सिंपल आंसर नॉन रिन्यूएबल एंड फाइनाइट जो मिनरल्स रोज मिनरल्स मिनरल्स को आम नुआ हिसाब से आम करना यहाँ हूँ नेचुरली अक्यूट फिनेस्ट ये फिनेस बहुत फाइन होता है ठीक अच्छे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आहुरी बहुत अच्छी पंद्रह क्वेश्चन करवाक अच्छे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एन इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल्स इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ए पार्ट फ्रॉम आयरन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एन इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल्स इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ए पार्ट फ्रॉम आयरन एत मतलब कौ मिनरल्सटा इम्पोर्टाट र मेटेरियल्स अटे कौ जगार आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पाई मिका आलुमिनियम जिप्सम मांगानीज ठीक अच्छे। तो मांगानीज गोटे टन आयरन या मिनरल्स को दस के जी सेमती लगुच मतलब दस के जी बोधे दस के जी मांगानीज दरकार पड़ी थाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट जीवा देखते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ओर्स इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लिविंग रेसिडुअल्स मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल मैंने कौ कौ मिनरल्स ओर्सटा जोटा कि डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक रे मिले थे एवं जो लिविंग ए रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मिनरल्स अटे से ठीक अच्छे। तो राइट आंसर है देखो ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट ओके। नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो क्वेश्चन नंबर 42 व्हिच वन ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ये मतलब कौ मिनरल्सटा इन इंडिस्पेंसेबल इंडिस्पेंसेबल फॉर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री देखो तो आम जब कह कौ मिनरल्सटा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर इन डिस्पेंसेबल इनडिस्पेनेबल अर्थ हो देखो आंसर मुझे आपको प्रथम कहीदे मिका ठीक अच्छे। इनडिस्पेनेबल अर्थ हो कि तो देखु कि आम जदि कह कौ आयरन ओर या कौ मिनरल्स ओर आयरन ओर तो नुहे कौ मिनरल्स ओरटा डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स रु तैयारी होता है और लिविंग ए रेसिडुअल मास ऑफ वेदर द्वारा होता है किए तैयारी होता है कहतु तो सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट ओके। नेक्स्ट जी देखते नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज इनडिस्पेंसेबल फॉर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर इनडिस्पेंसेबल अर्थ हो इम्पोर्टेंट अर्थ हो बहुत दरकार अच्छी कौ मिनरल्सटा तो ये राइट आंसर है देखो मिका राइट आंसर कौन हम मिक्का है जो यार राइट आंसर।
ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही नेक्स्ट क्वेश्चन कह इंडिया इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिनरल्स इज नॉट वेरी सैटिस्फैक्टरी कि जदि आम देखा इंडिया कौ परिमाण कौ प्रकार जो मिनरल्स अच्छी सेटा ज्यादा प्रोडक्शन हो तार से मिनरल्स बेसी सैटिस्फैक्टरी ना कहतु देखु राइट आंसर जी नॉन फेरस मिनरल्स ज्यादातर इंडिया रे फेरस मिनरल्स जोटा तैयारी करा जाउछ जोटा कि आयरन और मांगनीज ठीक अच्छे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूल मिनरल्स सिंपल फ्यूल मिनरल्स कोटा सोलार पावर तो हेबनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक हेबनी तो यार राइट आंसर हो देखु थेरम ठीक अच्छे नेक्स्ट देखु कोंदरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स जो कोंदरमा अच्छी झारखंड रे सेटा कौन बेसी जदि कह प्रोड्यूस करुच्छे को मिनरल्स बॉक्साइट मिका आयरन और कॉपर तो राइट आंसर हो देखु राइट आंसर आमर ऑप्शन नंबर बी मिका ध्यान देवे मिका ठीक अच्छे झारखंड मैंने ब्लीडिंग प्रोड्यूसर अटे मिकार नेक्स्ट जी देखु नेक्स्ट कौन अच्छी ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द वेलाडिला रैंक इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ फेमस जो वेलाडिला रैंक अच्छी बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ जो कहीं फेमस है इट इज द हाइएस्ट रैंक इन सेंट्रल इंडिया ना किसी कौन से रिलेटेड ना वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट वैरायटी ऑफ आयरन ओर इज फाउंड हियर जी ये लगुच एनसर लगुच राइट एनसर लगुच पढ़ा वेरी हाई ग्रेड कोल डिपोजिट आर फाउंड हियर जो कोल अच्छी हाई ग्रेड रोल ये डिपोजिट कर ठीक अच्छे एमती लगुच इट इज द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपोजिट इन द वर्ल्ड ये तो हेनी लार्जेस्ट कौटा कुंदरमुख तो ये दुई ऑप्शन रु ऑप्शन बी और सी मध्य आमर आंसर हम तो राइट आंसर हो देखो वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट वैरायटी ऑफ आयरन ओर इज फाउंड हियर तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि हेमाटाइट वैरायटी आयरन ओर ये मिले ठीक अच्छे ध्यान जानपारे ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूल मिनरल्स ये डबल हो जाए थेरम ठीक अच्छे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फिजल फ्यूल इन इंडिया बहुत परिमाण में फिजल फ्यूल कौटा मिलूँ पेट्रोलियम कोल फायरवुड बायो गैसेस राइट आंसर कोल ठीक अच्छे इंडिया रे कोल ज्यादा मिलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस आर नॉट द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एम कौटा कि कन्वेंशनल सोर्सेस नुहे ठीक अच्छे तो राइट आंसर ऑटोमिक एनर्जी बायोगैस सोलार एनर्जी यहाँ हूँ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स बाकी सब हूँ कन्वेंशनल ठीक अच्छे यहाँ सब हूँ कन्वेंशनल नेक्स्ट जी देखो नेक्स्ट कौन कह नेक्स्ट क्वेश्चन कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल कौ एनर्जी रिसोर्सटा जोटा कि आम ऑयल आकार क्रूड ऑयल आकार व्यवहार कर पारा कोल पेट्रोलियम बायोगैसेस नेचुरल गैसेस तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम को हमें एज ऑयल एज क्रूड ऑयल हिसाब से यूज कर पारिबा नेक्स्ट देखु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैसेस को इंडस्ट्रीटा नेचुरल गैसेस इंपोर्टेंट या नेचुरल गैसेस से जगह रे बहुत पुराने मिलुची कॉटन एंड जू टेक्सटाइल द पावर एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और ऑल ऑफ दिस तो राइट आंसर हो देखो जो नेचुरल गैसेस तो द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जियोलॉजिकल एज ऑफ कोल फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रे कौ जियोलॉजिकल कोल अच्छी राइट आंसर हो देखु ऑप्शन नंबर सी टर्टियरी टर्टियरी जियो एज ऑफ कोल मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन हु
Which of the following is a non-renewable fossil fuel for a generation of electricity? तो देखन्तु जदि आमे कहिबा एथि मधे को non-renewable fossil fuel टा इलेक्ट्री जेनरेशन पाई दरकार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट थर्मल पावर स्टेशन जियोथर्मल एनर्जी तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थर्मल पावर स्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन सी पेट्रोलियम वाज फास्ट ड्रिल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया पेट्रोलियम को जगह रे प्रथमे माने देखिबा को मिलितिला ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया इंडिया रो अंकलेश्वर दिग्बोई मुंबई है कोलाई कोलल राइट आंसर जो दिग्बोई दिग्बोई रे कोन कराई दला होची कि पेट्रोलियम वाज फास्ट ड्रिल्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ओल्ड ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया ठीक अछि को जगह रे दिग्बोई रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखन दो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल को जदि हमें कहिबा को मिनरल्स टा गोटे एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल अटे पीट कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस पीट हम को कहितली पीट होची लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कोल तो कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस कौन तो राइट आंसर है जो नेचुरल गैसेस ठीक है जी। तो यह थी आम इंपोर्टेंट 55 क्वेश्चन जदि आपको भिडियोट पसंद लगे तो लाइक करूँ सेयार करने को भूलु ना सब्सक्राइब करने को भी भूलु ना और बेल आइकन को दबाई दिंतु रोचे धन्यवाद जय जगन्नाथ।